हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। शनिवार की सुबह है और यहाँ पे मैं कर रही हूँ ब्रेकफास्ट की तैयारी। एक अच्छा सा प्रोटीन रिच सैंडविच बनाने वाली हूँ, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे सोया चंक्स बॉयल होने के लिए रख दिए। कल शाम को थोड़े ना प्लांट्स को पानी दिया था, तो रात को इनको डिस्टर्ब नहीं किया, सोने दिया। तो ये सारे हैं ऊपर के, तो अभी थोड़ी देर में इनको लेके जाऊँगी। बट एक जगह जब प्लांट्स इकट्ठा होते हैं ना, बहुत अच्छे लगते हैं। सैंडविच के लिए एक क्रीमी सा एवोकाडो डिप बनाने वाली हूँ, और मुझे ना एवोकाडो को स्टोर करने का बहुत ही परफेक्ट आइडिया मिल गया है। आप लोगों के भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते थे कि मैं कैसे इनको लंबे टाइम तक फ्रेश रखती हूँ। तो पहले मैं जब लेके आती थी कॉस्को से, हार्ड ही होता है वो, तो बाहर ही रख देती हूँ। और जैसे ही वो सॉफ्ट होना स्टार्ट होता है, तो पहले मैं जस्ट फ्रिज में रख देती थी। अब मैं कंटेनर में पानी भर के और उसमें डिप करके फिर फ्रिज में रखती हूँ। 2 to 3 weeks के लिए आपके एवोकाडो बिल्कुल फ्रेश रहेंगे। ट्राई करके देखना और मुझे बताना कि रिजल्ट कैसा लगा। कोई भी चॉपर या फूड प्रोसेसर ले लेंगे और इसमें डालेंगे एवोकाडो, गार्लिक, एक छोटी सी मिर्ची भी ऐड करिए, थोड़ी सी दही और नींबू का रस, नमक। सोया चंक्स को अच्छे से स्क्वीज कर लिया है, जितना कम मॉइस्चर रहेगा उतना अच्छा है। गार्लिक ऐड किया है, धनिया, मिर्ची और इसका अच्छा सा एक पेस्ट बना लेंगे। अनियन ऐड किया है, थोड़ा सा जिंजर, बाइंडिंग के लिए बेसन, स्पाइसेस में सॉल्ट, धनिया पाउडर, ब्लैक पेपर और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप इसमें डिफरेंट सब्जियां ऐड कर सकते हो, लाइक कैरेट ग्रेट करके ऐड कर सकते हो। इनफैक्ट पीस भी बहुत अच्छा प्रोटीन का सोर्स होता है। तो जब हम न्यूट्रेला को बॉईल कर रहे हैं ना, उसके साथ ही आप पीस को भी बॉईल कर लो और साथ में ही पीस लो, तो एक हरापन भी आएगा, वैसे धनिया से भी आता है। और आप आलू, पनीर, सारा कुछ मैश करके वो भी ऐड कर सकते हो। और बाइंडिंग के लिए बेसन या चावल का आटा या सत्तू का आटा, तो डिफरेंट ऑप्शन है। हर बारी आप डिफरेंट चीज़ें यूज़ करके बनाओगे तो थोड़ा बहुत टेस्ट चेंज हो जाएगा। एंड अगेन स्पाइसेस भी आप अपने मन से ऐड कर सकते हो। मैंने थोड़ा सा आमचूर पाउडर भी ऐड किया है और इसकी छोटी-छोटी हम टिक्कियां बनाएंगे। लंच बॉक्स के लिए भी ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। आप टिक्की एक दिन पहले ही बना के रख सकते हो या फिर फ्रीज करके रख सकते हो। हाथ में थोड़ा सा घी या तेल लगा के फिर टिक्कियां बनाएंगे ना, तो ये हाथ में चिपकेगा नहीं। और इसको डीप फ्राई नहीं करना है, बस हल्का सा मैंने घी डाला है पैन में और इसको पैन फ्राई करेंगे। कास्ट आयरन का तवा अगर है आपके पास तो ये बहुत ही अच्छे से हो जाता है, लाइक ब्राउनिंग हो जाती है बहुत अच्छे से। कोई सा भी शेप दे सकते हैं, और जैसे सीख कबाब होता है ना, आप वैसे भी बना सकते हो, काफ़ी अच्छा पार्टी स्टार्टर ऑप्शन है।
प्रिपरेशन ऑल डन, टिक्की भी बन चुकी है, डिप भी बन चुका है, बस ब्रेड को टोस्ट करना है। तो गार्डन से लेटस लेके आते हैं, इतने फ्रेश लगते हैं ना, लाइक आंखों को ही इतना फ्रेशनेस लगता है, तो खा के तो डेफिनेटली अच्छा ही लगता है। कल शाम को एक खीरा भी तोड़ के लाए थे, तो मैंने रख दिया था कि अभी ब्रेकफास्ट में सैंडविच में ही यूज़ करूँगी। गार्डन के खीरे का ना अलग ही स्वाद होता है। थोड़ा सा नींबू का रस और दही ऐड किया है और काला नमक। आज तो भाई मुद्दतों बाद जूस काउंटर ओपन हुआ है। हाँ सही में, पता नहीं यहाँ की क्या हो रही है, कभी होता ही नहीं। टोस्टेड ब्रेड के ऊपर मैंने एवोकाडो डिप स्प्रेड कर लिया है, उसके ऊपर टिक्की रखी है, क्यूकम्बर, टमाटो, लेटस और मैंने थोड़ा सा दही स्प्रेड किया है। आप चाहो तो रैंच ऐड कर सकते हो, बट मैंने कोशिश की है आज के ब्रेकफास्ट को बिल्कुल क्लीन रखने की। वो स्टैक्ड है ना। टिक्की किसकी है? सोया टिक्की। लास्ट ब्लॉग में मैंने आप लोगों के साथ आइकिया शॉपिंग हॉल शेयर किया था और बताया भी था कि मैं फॉल डेकोर करने का सोच रही हूँ, और वैसे भी इस घर में हमारा पहला फॉल है तो स्पेशल कुछ करना तो बनता है। और जब मैंने ये ओपन शेल्व्स लगाए थे ना किचन के पास, तो मेरी सोच यही थी कि हर एक सीज़न के अकॉर्डिंग हम इसका डेकोर चेंज करेंगे। तो शुरुआत आज करते हैं शेल्फ डेकोर से। किचन को भी थोड़ा क्लीन कर लेंगे, काउंटर टॉप को भी थोड़ा स्टाइल करेंगे डिफरेंटली, और पूरे घर में स्पेशली लिविंग रूम में, और थोड़ा सा मैं सोच रही हूँ आउटडोर में भी छोटे छोटे फॉल डेकोर की चीज़ें ऐड करेंगे। काफ़ी सारी चीज़ें ऑलरेडी मेरे पास है, कुछ मैं डॉलर स्टोर से और मैं माइकल्स भी गई थी, इनफैक्ट वॉलमार्ट में भी फॉल का बहुत अच्छा डेकोर आया हुआ है एंड काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में। इनकेस आप भी फॉल डेकोर करने का सोच रहे हो तो डॉलर स्टोर और वॉलमार्ट, ये दोनों डेफिनेटली अफोर्डेबल प्राइस में चीज़ें अवेलेबल है। माइकल्स एक्सपेंसिव हैं बट कुछ एक चीज़ों में बहुत अच्छी सेल है, तो आपको टाइम देना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, मैंने भी ढूंढ ढूंढ के निकाला है। तो सबसे पहले इस शेल्फ को एम्प्टी कर लेते हैं। जब भी मुझे किसी स्पेस को डेकोरेट करना होता है, मैं सारी चीज़ें निकाल के अपनी आंखों के सामने रख लेती हूँ। जब तक मैं विजुअली चीज़ों को ना देखूँ, मुझे समझ नहीं आता कि कैसे मिक्स एंड मैच करना है। किचन से भी थोड़े कलरफुल फॉल रिलेटेड जो कलर्स होते हैं हमारे, येलो, ग्रीन, ऑरेंज, वो सारी क्रॉकरी भी निकाल के रखी है। ये तो है वैसे बेकिंग बोल, बट मैं डिफरेंट कामों के लिए यूज़ कर लेती हूँ, डेकोरेट करने के लिए भी यूज़ करती हूँ, तो इसमें फ्रूट्स भी रख सकते हैं। तो चलिए फन पार्ट, इस शेल्फ को डेकोरेट करते हैं। बेडरूम डेकोर में आपने देखा होगा ये वाला पिक्चर स्टैंड मैंने यूज़ किया था यूट्यूब बटन रखने के लिए, और ये दो का सेट आया था, तो एक रखा हुआ था मैंने कि कभी तो यूज़ आ ही जाएगा, तो मैं इस पे आज बुक रखने वाली हूँ।
सो प्रिटी, मुझे इतना अच्छा लग रहा है। फुल ऑन कलर्स, पहले जो डेकोर था वो व्हाइट और ब्लू में था, और इस बारी फुल ऑन कलर्स। तो मैं क्विकली आप लोगों को बता देती हूँ कौन सी चीज़ कहाँ से है, क्योंकि हमेशा आप लोगों के क्वेश्चंस आते हैं। तो बुक स्टैंड अमेजोन से, बुक डॉलर स्टोर से, ये ग्लास वेयर्स आइकिया से है, पहले के लिए हुए हैं। ये बोल्स आई थिंक कॉस्को के हैं, पर मुझे गिफ्ट में मिले थे। आइकिया के प्लेट्स, आइकिया का ये फेक प्लांट है। इस तरह का मुझे फॉलिंग वाला प्लांट चाहिए था, शायद है मेरे पास मनी प्लांट, मुझे देखना होगा, बट ये मेरे पास रखा हुआ था, तो आई थिंक अभी के लिए मैं ये डाल देती हूँ। और ये छोटे छोटे क्यूट से बुद्धा जी, ये है अमेजोन से, बहुत पुराना है ये, लास्ट घर में भी देखा होगा आपने। अगेन ये बोल भी आइकिया से है, ऑरेंजेस कॉस्को से है। ये स्टूल भी बहुत पुराना है, छोटा सा स्टूल, अमेजोन से है। प्लांट और ये पम्पकिन नया एडिशन है, ये माइकल से मिला मुझे $3 का, ये सेल पे था। सेम डिटेलिंग के साथ ऑरेंज में भी अवेलेबल है, बहुत प्रिटी है, इसकी डिटेलिंग बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। ये वाला पिक्चर आई थिंक डॉलर स्टोर या आइकिया का है, आई डोंट रिमेम्बर, बहुत ज़्यादा पुराना है। और ये लेमन्स भी डॉलर स्टोर के हैं, ये भी पुराना है। ये फ्लावर्स मिक्स्ड हैं, कुछ एक माइकल से हैं, कुछ डॉलर स्टोर के हैं, और परफेक्ट फॉल कलर्स वाले हैं। और एक स्टेम मैंने ये वाइट लिया था, ये भी माइकल से है, सेल पे था, अराउंड $3-4 का है एक स्टेम, तो डॉलर स्टोर में भी इसी रेंज के मिलते हैं। तो इस वाले पर्पल फ्लावर को अभी अच्छे से हम रख देंगे और फिर नेक्स्ट समर्स में ऐड करेंगे। जब भी आपके पास ऐसे बिग स्टेम वाले फ्लावर्स हो ना, और वास छोटा है या बड़ा है, एडजस्ट करना है, तो बहुत इजीली ये फोल्ड हो जाएंगे। कटिंग मत करना, क्योंकि डिफरेंट वास में आप यूज़ कर सकते हो। मान लो आगे जाके आपको टॉल वास में यूज़ करना है, जब आपको पूरा स्टेम चाहिए, तो कट मत करना, इसको जस्ट ऐसे फोल्ड कर देना। लेयरिंग बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है होम डेकोर में, जब भी हम टेक्सचर के साथ प्ले अराउंड करते हैं। ये वाला लैम्प उस ब्लैक टेबल पे रखा हुआ था, और जो ब्लैक लैम्प किचन में था हमेशा से, लाइक प्रिंस जॉर्ज से, ये दोनों ही लैम्प आइकिया से ही हैं, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो किचन में मैंने कभी दूसरा लैम्प ट्राई नहीं किया, तो मैंने सोचा थोड़ा सा चेंज करते हैं, इसको यहाँ पे ले आते हैं और किचन वाला वहाँ पे ले जाएंगे। एक सेटअप कभी भी एक बारी में फाइनल नहीं होता। इस वाले लैंप का ना, ये बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो यहाँ पे ये दिख रहा था और अच्छा नहीं लग रहा था, तो ये लैंप हम यहाँ पे रखेंगे। और यहाँ पे जो लैंप था ना, ये कॉर्डलेस लैंप है, तो ये अगर हम यहाँ पे रख देना, तो ये बिल्कुल भी मैसी नहीं लगेगा, क्लीन, नाइस, फुल ऑफ लाइट।
मेरी एक फ्रेंड ने ये सॉल्ट एंड पेपर शेकर दिया था और ये हैलोवीन थीम का ही है, तो मैं इसको यूज़ करूँगी सिंपली डेकोरेशन के लिए। इसमें सॉल्ट एंड पेपर रखूँगी नहीं, बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। एक वाइट कलर का टॉल पम्पकिन और ये रहा एक छोटू सा पम्पकिन, सुपर क्यूट। मेरे जितने भी फ्रेंड्स मुझे जानते हैं ना, उनको पता है कि मुझे होम डेकोर, किचन डेकोर का कितना शौक है, तो वो लोग भी ना मुझे ढूंढ ढूंढ के ऐसी क्यूट क्यूट चीजें देते हैं। काफ़ी सारे चेंजेस के बाद फाइनली किचन डन हो चुका है अभी के लिए। अब लिविंग रूम में थोड़ा बहुत चेंज कर लेते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ये ब्लू वास बिल्कुल भी नहीं जा रहा है यहाँ पे, तो बस इसको चेंज करेंगे। किचन में ये वाला जग था ना, तो बस इसी को एज अ वास यूज़ कर रही हूँ और ये फ्लावर्स ऐड कर दिए, डन। Sometimes we were tight and sometimes oceans apart. Gotta learn just how to move on without you. Move on without you. चाय बनाने की तो हिम्मत नहीं थी दोस्तों, वो टर्मरिक टी डिप डिप वाली वो पी रहे हैं और मैं ऐसी डेकोरेशन कर रही थी ना, तो येशा ने ये लेगो लिया था। इनफैक्ट मैंने उसको बोला था कि ये ले ले, तो बोलती है मैं बना देती हूँ, आप इसको भी सजा दो। कितना क्यूट है, और ये वेस्पा है। तो हम वही बात कर रहे थे कि छोटे होते हमारे पास वेस्पा थी और मौसा जी के पास बजाज, और एक इतने छोटे से स्कूटर पे कितने लोग बैठ के जाते थे। एक सामने बच्चा सामने खड़ा होता था, खड़ा होता था जो ड्राइव कर रहा है, वो तो छोटे से जगह पे बैठता था, पीछे दो लोग। और जितने भी स्कूटर चलाए हैं ना, उससे वो गिरे हैं, स्लिप हुए हैं, कुछ हुआ है, चोट लगी लगी है। नहीं मैं नहीं गिरी कभी, एक बार शादी के बाद बाइक से गिरी, बाइक से गिरे थे हम दोनों, वो बट हेलमेट पहना हुआ था तो इसलिए बच गया। बहुत रश था नोएडा, नेक्स्ट डे। और कल पास्ता बनाने के बाद रात को फिर से मैंने कुछ एक चेंजेस कर दिए। मेरा यही होता है जब भी मैं किचन स्टाइलिंग करती हूँ ना, एक बारी में कभी भी फाइनल नहीं होता, फिर से मैं छोटे छोटे चेंजेस करती ही रहती हूँ। ये वाला कॉर्नर जो मैंने लैम्प चेंज किया ना, मुझे उतना अच्छा नहीं लग रहा था जितना वो पहले वाला लैम्प लग रहा था, और शायद इसी को कहते हैं कि कुछ चीज़ें ना फिक्स्ड ही अच्छी लगती हैं, उन्हें चेंज नहीं करना चाहिए क्योंकि हमारी आँखों को उनको देखने की आदत हो रहती है। तो एक्चुअली मुझे आदत हो गई है, क्योंकि ये वाला
स्टैम्प सिर्फ यहाँ पे नहीं प्रिंस जॉर्ज से ऐसे ही सेम किचन कॉर्नर पे रखा होता था और मुझे बहुत अच्छा लगता है इसका जो येलो लाइट होता है ना, स्पेशली रात को सारे बिग लाइट्स बंद कर देती हूँ और छोटे वाले लाइट्स चलाती हूँ, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैं क्विकली आप लोगों को दिखा देती हूँ कि किचन काउंटर टॉप को मैंने फाइनली कैसे स्टाइल किया है। कलरफुल से बोल्स ऐड कर दिए हैं और ये वाला प्लांटर जो मैं आइकिया से लेके आई थी ये भी कलर ऐड कर रहा है, और ये थैंकफुल पम्पकिन ये आपने मेरे लास्ट ईयर फॉल डेकोर में भी देखा होगा, पुराने किचन में था ये। यहाँ पे सारा चाय का सामान ही रहता है और आपने देखा होगा मोस्टली मैं सारा कुछ ना ट्रे में ऑर्गेनाइज करना पसंद करती हूँ, काफ़ी ज़्यादा क्लीन लगता है। तो ये होगी हमारी चाय पत्ती, गुड़ वाली शक्कर, इलायची भी ऐड करती हूँ मैं चाय में, तो लौंग और इलायची है, और ये कूटने के लिए थोड़ा सा कलर ऐड करने के लिए ये कलरफुल बीड्स जो कि हमें हमेशा याद दिलाता रहेगा बी ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग यू हैव इन योर लाइफ, और ये भी थोड़े से कलर ऐड करने के लिए। डेली कुकिंग में जो भी फ्रिक्वेंटली यूज़ आता है वो सारी चीज़ें यहाँ पे ऑर्गेनाइज करी हैं, सरसों का तेल, ऑलिव ऑयल, इसमें घी रहता है, इसमें पिंक सॉल्ट, मैं पिंक सॉल्ट और वाइट सॉल्ट दोनों यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे है पिंक सॉल्ट, ये तो बस डेकोर के लिए है, फ्रिक्वेंटली यूज्ड मसाले, सारे स्पैटुलाज यहाँ पे रखे हैं, स्टील वाले भी और वुडन वाले भी। जब भी मैं डेकोर चेंज करती हूँ बहुत बार ही सोचती हूँ कि यहाँ पे कुछ और रखूँ, बट ये हैप्पीनेस इज होममेड, ये ट्रे मुझे इतना ज़्यादा पसंद है ना, लाइक मुझे मोटिवेट करता है होममेड कुकिंग करने के लिए, एंड ऑफ कोर्स दैट गिव्स मी हैप्पीनेस, और मैं हमेशा इस ट्रे को यहीं पे रख देती हूँ। सालों पहले मैंने डॉलर स्टोर से लिया था, अभी भी ये ट्रेस डॉलर स्टोर में अवेलेबल हैं डिफरेंट कोट्स के साथ। तो एक छोटा सा मनी प्लांट रखा है, पिंक सॉल्ट और वाइट सॉल्ट दोनों यूज़ करती हूँ, तो यहाँ पे वाइट सॉल्ट है। इस प्यारे से येलो वाले कप में कुछ स्पून्स रख दिए हैं जो कुकिंग टाइम पे यूज़ आते हैं, और ये सॉल्ट एंड पेपर। जब भी काउंटर टॉप को मैं स्टाइल करती हूँ, डेकोरेट करती हूँ, ऑर्गेनाइज करती हूँ, इस बात का ज़रूर ध्यान रखती हूँ कि फंक्शनल होना चाहिए और सामने काफ़ी ज़्यादा वर्किंग स्पेस होना चाहिए। तो यही सारा कुछ सोच के मैंने किया है, और मुझे काउंटर टॉप खाली बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। मेरे लिए कुकिंग का जो मोटिवेशन है ना वो किचन डेकोर से ही आता है, और जब भी किचन डेकोर की बात आती है ऑब्वियसली हम किचन की चीज़ों से ही किचन के काउंटर टॉप को डेकोरेट करते हैं, स्टाइल करते हैं, और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और ये शेल्फ डेकोर भी मुझे बहुत अच्छा लगा, जैसे ही कलर ऐड करो ना एक लाइफ आ जाती है उस स्पेस में, और विंटर टाइम में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हमारे घर पे कलर्स ऐड हो ताकि हमारा मूड भी अपलिफ्ट रहे, क्योंकि बाहर तो बस वाइट वाइट ही देखने को मिलता है। तो काफ़ी कोजी सा कॉर्नर होने वाला है ये आने वाले दिनों में, जब यहाँ से हम स्नोफॉल देखेंगे और यहाँ से कलर एंजॉय करेंगे। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने भी ये डेकोर स्टाइलिंग वीडियो एंजॉय किया होगा। मैं आपसे मिलूंगी बहुत जल्दी, तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप स्माइलिंग, एंड एज ऑलवेज कीप मेकिंग लॉट्स ऑफ वंडरफुल मेमोरीज, कलर वाली मेमोरीज, फॉल वाली मेमोरीज।